जय हिंद दोस्तों, ये ज्योग्राफी का एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। वेस्ट बंगाल का जो डब्ल्यूबीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड ज्योग्राफी के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। मैंने इसमें एक्सप्लेनेशंस को नहीं दिया है, ओनली क्वेश्चंस एंड उसका ABC करके ऑप्शंस दे दिया है और उसका मैं आंसर्स बोलता जाऊँगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ देयर वेयर नो एटमोसफेयर द अर्थ वुड हैव बीन, अगर पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर ना हो तो क्या होगा? ऑप्शंस है स्लाइटली हॉट, स्लाइटली कोल्ड, वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, यानी कि थोड़ा गर्मी हो जाएगा या थोड़ा ठंडा हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा गर्मी होगा या बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि वेरी हॉट, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, सॉरी वेरी कोल्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन कोलकाता एंड लंदन इज, यानी कि कलकत्ता और लंदन के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना होगा। तो आपको मालूम है भारत का जो टाइम हम लोग मेजर करते हैं इंटरनेशनल टाइम के हिसाब से तो कितना होता है, वो 5 घंटा 30 मिनट। तो इस हिसाब से भी यहाँ पे हम आंसर्स को दे सकते हैं कि कोलकाता जो होगा वो 5 घंटा अहेड होगा। तो इसका आंसर जो होगा कोलकाता इज़ मोर देन 5 आवर अहेड, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर बोल रहा था द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल इज़ लोकेटेड क्लोज टू द, यानी कि जो वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या आर्टिक सर्कल। तो आप सभी को मालूम होगा कि आर्टिक सर्कल तो हो नहीं सकता, आर्टिक सर्कल बहुत ही नॉर्थन पोल की तरफ चला जाता है। ठीक है, इक्वेटर मिडिल में है, तो आपको ये भी मालूम है कि हमारा जो इंडिया है वो इक्वेटर में नहीं आता, इक्वेटर के ऊपर है, ऊपर के यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास पड़ता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो होगा नहीं। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इसका आंसर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हमारा जो वेस्ट बंगाल का कैपिटल है वो स्थित है, तो इसका आंसर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम, बंगाल जो है ज़्यादातर अपना रेनफॉल कहाँ से प्राप्त करता है, उस कहाँ से होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ इंडियन मॉनसून, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड अलोंग अ लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जो होता है उसको कैलकुलेट करते हैं एक लाइन पर जो कि लॉन्गिट्यूड पास करता है कहाँ से। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा इलाहाबाद, आपको मालूम है नैनी में इलाहाबाद है वहाँ से होता है, और उसका अगर हम डिग्री में पूछे तो होगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू अलाहाबाद, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर बोल रहा पीजेंट्स फार्मिंग मींस, पीजेंट्स फार्मिंग किसका मतलब क्या होता है। तो पीजेंट्स फार्मिंग का मतलब हुआ कि मान लीजिए किसी का ज़मीन है उस पर आप किसी को खेती करने के लिए आप दे रहे हैं, ठीक है, वो खेती कर रहा है, मतलब आपका समझ लीजिए एक तरह का मजदूर, अब मजदूर से आप वहाँ पे फार्मिंग करा रहे हैं, तो इस टाइप का जो फार्मिंग होगा उसको आप पीजेंट्स फार्मिंग बोल सकते हैं। जैसे द टेनेंट कल्टिवेटर द लैंड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टेनेंट कल्टिवेट्स द लैंड। ठीक है, उसके बाद है 7 नंबर, वेन अ बॉल इज टेकन फ्रॉम द अर्थ इक्वेटर टू द पोल ऑफ द अर्थ, यानी कि एक बॉल को अगर मैं इक्वेटर से पोल की ओर फेंकूँ तो क्या होता है। तो इसमें जो होगा इसका होगा उसका वेट जो है इंक्रीज होगा, क्यों होगा, क्योंकि पोल की तरफ उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बढ़ता चला जाता है, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा इट्स वेट इंक्रीजेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉटन इज़ बेस्ट ग्रोथ ऑन ब्लैक लावा सॉयल कोल्ड, जो कॉटन जो ब्लैक लावा सॉयल में ग्रोथ होता है उसको क्या बोला जाता है। तो उसका आंसर होगा रेगूर, रेगूर सॉयल, रेगूर उसको बोला जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर, टोपोग्राफिकल सीट आर प्रोड्यूस्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया ऑफिस विथ हेड क्वार्टर एट, यानी कि जो टोपोग्राफिकल सीट है सर्वे ऑफ इंडिया का उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा देहरादून, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, इन विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर डज ओजोन एक्ट एज अ यूवी रेडिएशन शील्ड, मतलब कि हमारे अर्थ पे आपको मालूम है एटमोसफेयर का लेयर्स है, तो कौन सा लेयर पर यूवी रेडिएशन को रोकता है, ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर कौन सा परत पर है, कौन सा एटमॉस्फेयर के लेयर पे है जहाँ पे यूवी रेडिएशंस को रोक लेता है। तो इसका जो सही आंसर होगा होगा स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है,
थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनी एक्सप्लेन्स, जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनी है, प्लेट टेक्टोनी हम लोग को किसके बारे में जानकारी देता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक। ये तीनों का तीनों जानकारी हमें प्लेट टेक्टोनिक के थ्योरी से मिलता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। 12 नंबर क्वेश्चन, एन एरिया विल बी डिस्क्राइब एज अर्बन इफ़ इट, यानी कि किसी एरिया को अर्बन एरिया हम लोग कब बोलेंगे, जब वहाँ पे हाई पॉपुलेशन होगा, वहाँ पर टाउन एंड सिटीज़ होंगे, और साथ ही साथ वहाँ का जो हाई पोर्शन पॉपुलेशन जो वो नॉन एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, तो उस जगह को हम लोग, उस एरिया को हम लोग अर्बन एरिया बोलते हैं, तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। 13 नंबर क्वेश्चन, ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल जनरेशन, यानी कि इंडस्ट्रियल जनरेशन के लिए कौन सा ज्योग्राफिकल एरिया किस टाइप का होना चाहिए, तो हम इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लिंकेज दोनों का दोनों उस पर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड इंडियन स्टेट इन द 2011 सेंसस इज, 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत का सबसे पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड कौन सा स्टेट है, तो आंसर होगा वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं, ये बोल रहा कोल माइन डिजास्टर इन वेस्ट बंगाल आर ड्यू टू, कोल माइन जो होता है वेस्ट बंगाल में वो किसके कारण होता है, उसका जो डिजास्टर होता है वो किसके कारण होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनएडिक्वेट स्टॉविंग, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये बोल रहा वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एटमोसफेयर ऑफ प्री बायोटिक प्रिमिटिव अर्थ वॉज, यानी कि जो एटमोसफेयर में जो प्रिमिटिव प्रीबायोटिक प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक होता है वो एक किसके कारण होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस के कारण ये होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट सुपीरियर इंडस्ट्रियल कोल ऑफ वेस्ट बंगाल इज ऑफ, यानी कि जो वेस्ट बंगाल में मोस्टली सुपीरियर इंडस्ट्रियल कोल का जो है वो किससे तैयार होता है, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा बिटुमियस वेराइटीज, यानी कि ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, तासार सिल्क फाइबर इज प्रोड्यूस्ड बाय, किसके जरिए ये प्रोड्यूस होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि अंथ्राट माइलिटा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, ड्राई फार्मिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ, ड्राई फार्मिंग किसके कारण पॉसिबल हो सकता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर पोटेंशियल, इंट्रोडक्शन ऑफ क्विक मैच्योरिंग एंड रेसिस्टेंस वैरायटी ऑफ मिलेट्स और इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, ये तीनों के कारण ही ड्राई फार्मिंग पॉसिबल होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, द इंडियन पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन, यानी कि जो इंडियन पेनिनसुला है वो पानी से चारों तरफ घिरा हुआ है, किस डायरेक्शन को आप बोलेंगे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साउथ वेस्ट, साउथ एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल हैज़ इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन, वेस्ट बंगाल जो है उसका इंटरनेशनल बाउंड्री कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया से टच हो रहा, तो इसका जो सही आंसर होगा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होता है एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होता है। कौन कौन सा हो जाएगा अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, नॉर्थ में आपका कौन सा डायरेक्शन होगा, भूटान, आपका नॉर्थ वेस्ट में आप नेपाल, और आपका नॉर्थ सॉरी साउथ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको बांग्लादेश से ये टच हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है, द नॉर्थ फॉलोइंग रिवर ऑफ वेस्ट बंगाल आर, मतलब कि वेस्ट बंगाल का नॉर्थ में फॉलो करने वाला रिवर्स कौन कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि तीस्ता, झालदा एंड रायधक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर, ये बोल रहा था द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फरक्का बैरेज वॉज, यानी कि फरक्का बैरेज बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि राइज द लोअर गंगा फ्लोर, ठीक है, इसका जो लोअर गंगा फ्लोर का रेज के कारण इसे बनाया गया था। आगे बढ़ते 24 नंबर क्वेश्चन, ये बोल रहा कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एग्जाम्पल ऑफ, कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये किसके एग्जाम्पल हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा फॉसिल्स फ्यूल्स, ये तीनों के तीनों फॉसिल्स फ्यूल्स के एग्जाम्पल्स हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, सेटेलाइट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट,
सेटेलाइट जो है किस चीज़ का इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट एंड वेजिटेबल वेजिटेटिव कवर, रिवर एंड देयर कोर्सेज, एडवांसिंग स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, ये तीनों की ये जानकारी देते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोलियम रिफाइनरी इन इंडिया मोस्टली हैव, जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है भारत में वो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का क्या है, तो उसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑयल फील्ड लोकेशन होता है, पोर्ट लोकेशन होता है, पाइपलाइन टर्मिनल लोकेशन होता है, ये तीनों के तीनों यहाँ पे पाए जाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु इज़ द ओनली स्टेट विथ मोर देन द मेजर पोर्ट, बिकॉज तमिलनाडु जो है एक ऐसा एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोर्ट पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? इसका रीज़न ये है कि उसका जो वाटर का जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि द पोर्ट ऑफ वाटर इज़ हाई, द डेप्थ ऑफ वाटर इज़ हाई, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम प्रोमोट्स, जो होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि प्लांटिंग ऑफ इक्वेल्टस, अच्छा बी हो गया प्लांटिंग ऑफ फायरवुड यार्डिंग ट्री और सेलिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ये तीनों के तीनों इसको सही आंसर होंगे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड वेस्ट बंगाल का। नेक्स्ट वीडियो मैं फिर अपलोड करूँगा, उसमें मैं कुछ बायोलॉजी और साइंस का कुछ पोर्शंस को मैं डाल दूंगा। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं ऐसे ही करके 22 अगस्त आने से पहले पहले जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो WBPSC से हो या कोई भी अदर PSC और UPSC से रिलेटेड हो, सारे के सारे मैं अपलोड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।